बहुत अच्छा गीत, बहुत बढ़िया। हमारे सचदेव भैया ने दादा जी के चरणों में समर्पित किया है। मेरी ओर से दादाजी के लिए श्रद्धा सुमन जो कुछ टूटा फूटा मुझसे बना मैंने भी समर्पित किया है। आइए अब थोड़ा माहौल को चेंज करते हैं भैया, बिल्कुल थोड़ा परिवर्तन, थोड़ा परिवर्तन करते हैं बिल्कुल। कहना क्या बेटे, लुक छुप के घूमी गली गली कहीं मिला नहीं मेरा पिया। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है कि लुक छुप के घूमी गली गली कहीं मिला नहीं मेरा पिया, तो खिल खिल के हंसती खली खली पर खिला नहीं मेरा जिया। तो मेरी इतनी कहानी मेरी है ये परेशानी, कोई आए कोई जाए बोले मैंने दिल दिया। तो ढूंढ रही हूँ मैं ऐसा दीवाना, कि ढूंढ रही हूँ मैं ऐसा दीवाना, थोड़ा सा पगला थोड़ा सा पप्पू विश्वकर्मा जी। आज पब्लिक से ज्यादा यूट्यूब वाले खुश हो रहे हैं आपके माध्यम से। एक से पद मुद्राएं भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पप्पू भैया जी को। एक से पद मुद्राएं हमारे सम्मानी भैया भैया श्री किशोरी प्रजापति नवागढ़ आपके माध्यम से भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। हमारे बगल में बैठना संजय भाई। हमारे भैया सम्मानी भैया अमृत अमृत लाल जोशी जी टेनगा से पधारे हैं आप, आपके माध्यम से इनके अनुपत मुद्राएं भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। आइए सुनिएगा सुने, और तमाम पुरस्कार मैं बाद में बोल दूंगी ताकि कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई कटौती ना हो। कहना फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या, कि लुक छुप के घूमी गली गली कहीं मिला नहीं मेरा पिया, तो खिल खिल के हंसती गली गली पर खिला नहीं मेरा जिया। तो मेरी इतनी कहानी मेरी है ये परेशानी, कभी आए कोई जाए बोले मैंने तुझे दिल दिया। कि ढूंढ रही हूँ मैं ऐसा दीवाना, ये मेरा दावा है। और क्या, एक बार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ, माता भवानी और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान है। क्या बात, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से मजाक कर दी और माता पार्वती को वो मजाक इतनी दिल में खटक गई कि माता रानी रूठ कर तपस्या में लीन हो गई। समझते रहिए, भोलेनाथ आए मनाया प्रिया और प्रिया कहकर अपनी ओर खींचा, तो देखिए एक रूप में परिवर्तित भी हो गए। लेकिन कहना सुनिए क्या बोले, कि एक दिन
पर्वत पर विराजमान थे शिव संग शिव प्रिया। एक दिन पर्वत पर विराजमान थी शिव संग शिव प्रिया। तो शिव ने उनको काली कह के धीरे से हंस दिया। कह दिया काली तो माता भवानी को क्रोध आ गया। माता सीरियस हो गई। सुनते जाइए भैया सुनते भैया। एक दिन पर्वत पर विराजमान थी शिव संग शिव प्रिया। तो शिव ने उनको काली कह कर धीरे से हंस दिया। तो देवी क्रोध में आके बैठी तप को रचा के। देवी क्रोध में आके बैठी तप को रचा के। शिव आए हर सा एक तन प्रतिपादित किया। जब भगवान भोलेनाथ एक तन में हो गए क्या बड़े शिव जी ने धारा ऐसा रूप शिव जी ने धारा ऐसा रूप सुहाना। आधा जनाना और आधा मर्दाना। भगवान भोलेनाथ अर्ध नारीश्वर के रूप में आ गए। आधा मर्दाना है आधा जनाना है। क्या बेटे शिव जी ने आधा जनाना और आधा मर्दाना। भैया सचदेवा जी नोट करिए। हमारे भैया सम्मानी भैया नरेंद्र जी मैनवार आपके माध्यम से अनेक अनेक इसने भेंट हुआ है। सभी को आपने एक से एक 151 पत्र मुद्राओं से आशीर्वाद दिया है। माता भवानी और आपके पिताजी सम्मान्य दादाजी का स्नेह आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे यही प्रार्थना है भगवान भोलेनाथ से। क्या बात है। और जब हमारे भाई ही ऐसे हैं तो इस बहन को गर्व तो होगा ही। आइए हमारे भाइयों की सदा भंडार भरा रखें। माता भवानी आइए सुनिएगा। सुने शिव जी ने धारा ऐसा रूप सुहाना। आधा मर्दाना और आधा जनाना। बड़ी लज्जा आएगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी अगर ये बात है तो देखिए पूरे वन को श्राप दे दिया कि यहाँ पर जो भी पुरुष आएगा वो नारी बन जाएगा। एक दिन हुआ क्या क्या
बस सुधुम पहुंच गए। क्या बेटे? वो जब वन में पहुंच गए तो देखी नर से नारी बन गए, और वो इतने सुंदर नारी बन गए कि चंद्रदेव के पुत्र बुध उस पर मोहित हो गए। जब मोहित हो गए तो जो राजा है वो रानी बन गए, उनसे विवाह करके ले गए। अब वो राजा की रानी परेशान है, वो गुरु वशिष्ठ के यहाँ पहुंची और कहने लगी। क्या? आइए पंक्ति सुनिए। सुने कि राजा सुधुम्न वन में बने नरस नारी, राजा सुधुम्न वन में बने नरस नारी। हेलो हेलो हेलो। कि राजा सुधुम्न वन में बने नरस नारी, चंद्रपुत्र बुध की पत्नी बन गई बेचारी। जब वो पत्नी बन गई तो वो रानी परेशान है, गुरुवर से कहा कहना पड़ा। क्या बेटे? गुरु जी है आए समझाए तप रचाए, गुरु जी है आए समझाए तप रचाए, गौरा को संग लेकर आए त्रिपुरा। गौरा को संग लेकर आए त्रिपुरारी, तो कर ये खबर लेना वचन इनका वध लेना, तो कर ये खबर लेना वचन इनका वध लेना, लेकिन ये तू चाहते संशोधन कराना। कुछ दिन मर्दाना रहे कुछ दिन जनाना, कुछ दिन मर्दाना रहे कुछ दिन जनाना। माता भवानी ने कहा उस समय को याद करना, भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया है, लेकिन यदि संशोधन कराना चाहते हैं तो ये जो राजा रानी बने तो कुछ दिन जनाना रहे कुछ दिन मर्दाना, ये क्रम होना चाहिए। आर्गा बेटे बिल्कुल सचदेवा जी। क्या? आइए एक टुकड़ा और सुनेगा सुनेगा सचदेवा जी। आज यूट्यूब वालों की साइट बहुत बढ़िया लग रही है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जवाब आएगा और अच्छा आएगा। आएगा आपका सुना हुआ गीत है। एक बार हुआ क्या? क्या बड़े? कौरवों और पांडवों का युद्ध होने लगा। भैया युद्ध होने लगा। अब भीष्म पितामह माँ को वरदान है इच्छा मृत्यु का, ये बड़ी समस्या है। अर्जुन पहुंच गए, जब अर्जुन पहुंच गए तो देखिए भीष्म पितामह कहने लगे। क्या बेटे? कहा अर्जुन अर्जुन किसी वीर के द्वारा मैं मारा न जाऊं। क्या ढोलक बजा रहे हो, बहुत बढ़िया। और बहन बेटे
कहाँ? किसी पीर के द्वारा मैं मारा न जाऊं, और अर्जुन फिर भी हार जाने का तरीका बताऊं। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन एक तरीका बतला रहा हूँ। बिल्कुल। किसी पीर के द्वारा मैं मारा न जाऊं, फिर भी हार जाने का तरीका शस्त्र ना चला। क्यों? क्यों? क्योंकि एक समस्या है। किसी हाल में उस पर शस्त्र ना चलाओ। वीर बलधारी है आज के युग का, वीर बलधारी मैं समझू नारी, वीर बलधारी मैं समझू नारी, इसका हमारा तो है पैर पुराना, उसका हमारा तो है पैर पुराना। क्यों? अब का मर्द क्या बात? तब का जनाना मर्दाना मगर भैया सचदेवा जी। बिल्कुल समझते रहिए। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि जिनके चरणों की हम दूर भी नहीं है, आज हमारे बीच में बुंदेलखंड की महान हस्ती जो कीर्तन जगत की मानी जाती हैं, उनके बीच में हम बच्चों को गाने का मौका मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। आइए एक टुकड़ा और सुनेगा। कलयुग में एक बात मिली, क्या बेटे कहना? क्या? क्या? कि कलयुग की घटना तुमको सुनाती हूँ प्यारी। कहना है क्या? सम्मानी भैया, भैया श्री पवन जैन शिक्षक हरगापुर, आपके माध्यम से इंक्यान पद 101 पद मुद्राएं भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद है। आजीवन आशीर्वाद की कामना है बड़े भैया से। और राजेश भैया श्री राजेश जैन शिक्षक खरगापुर, आपके माध्यम से 101 पद मुद्राएं भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है। माता भवानी सदा आपका भंडार भरा रखे। आइए सुनिए। सम्मानी हमारे भैया पवन भैया और राजेश भैया, बिल्कुल कहना क्या बड़े? कलयुग की घटना तुमको सुनाती हूँ प्यारी। एक घटना मिली कि कलयुग की घटना तुमको सुनाती हूँ प्यारी। आई जी के पद पे थे एक अधिकारी। आई जी के पद पे थे एक अधिकारी।
जी के पद पर थे एक अधिकारी के ये झंडा झंडा छोड़ के ये झंडा और डंडा जी के पंडा छोड़ के ये झंडा और डंडा जी के पंडा कन्हैया से यारी करके बने राधा प्यारी भगवान कन्हैया से इतना स्नेह करते थे इतने प्रभावित हुए कि स्वयं राधा ही बन गए। क्या बात, सारा श्रृंगार राधा का कर लिया तो कहना पड़ा क्या बेटे कन्हैया से यारी करके बने राधा प्यारी तो क्या मन ठाना है किसी ने न जाना है क्या मन ठाना है किसी ने न जाना है लाल चंद्र जाने उनको सारा जमाना से मर्दाना मगर मन से जनाना बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कहना क्या बटे लाल चंद्र जाने उनको सारा जमाना से मर्दाना मगर मन से का जो प्रथम कार्यक्रम आपके इस ग्राम में आयोजित हुआ है उसमें आप सभी की उपस्थिति के लिए मैं आपको साधुवाद देते हुए आप सभी की इस पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। यह संचालन का कार्य हालांकि घर के लोगों का होता है लेकिन आपने हमको सौंपा है तो हमको बड़ी खुशी हुई कि आपने हमको ये अपने घर का बना लिया। आप सभी को प्रणाम करता हूं। तो ऐसा लगता है कि ऐसा लगता ये नवागढ़ ही ग्राम मेरा है ऐसा लगता ये नवागढ़ ही ग्राम मेरा है। आप मेहमान हैं सेवा का काम मेरा है आप मेहमान हैं सेवा का काम मेरा है। सभा में आज की जो मेहमान लोग आए हैं सभा में आज की जो कलाकार आए हैं सभी को हाथ जोड़ कर प्रणाम मेरा है सभी को हाथ जोड़ कर प्रणाम मेरा है। एक बड़ी स्थिति गंभीर है इधर से भी गाई गई भैया शरारती जी के द्वारा और उधर से नीलम जी के द्वारा कि आंसू बहाते हैं वो चले गए ये हो गया वो हो गया। मैं परिवार के लोगों से ये कहना चाहता हूँ चार पंक्तियां सुने आप कि जब दयाचंद जी याद आने लगे जब दयाचंद जी याद आने लगे
तो सारे परिवार आंसू बहाने लगे, जब दयाचंद्र जी याद आने लगे तो सारे परिवार आंसू बहाने लगे। लेकिन जहां तक मेरी सोच है आंसू बहाने का काम है नहीं, क्यों? जब दयाचंद्र जी याद आने लगे तो सारे परिवार आंसू बहाने लगे। नवागढ़ में जो चमके कभी दीप बल, नवागढ़ में चमके जो कभी दीप बल, चंद्र बन नभ में अब चमचमाने लगे। चंद्र बन नभ में अब चमचमाने लगे। ये तो प्रोन्नति हुई है, इसमें कोई दुख मनाने का विषय नहीं है। अगर किसी की प्रगति साधुवाद है, दर्शन धन्यवाद है। और आदरणीय हमारे छोटे भाई जो कि एक कुशल संचालक हैं, मैं चाहता था कि भैया हमारे मस्ताना जी ही, फणिंद मस्ताना जी ही इस कार्य को संभालें, क्योंकि उनको इसका अनुभव है, संचालन करने का अनुभव हमारे पास है नहीं। लेकिन कह दिया तो क्या कहते, तुरुप का पत्ता चाहे जहां ले लगाओ वहीं लगा दिया तो लग गए, कोई बात नहीं। ऐसे स्वागत करता हूँ, दोनों होनहार कलाकार हैं कीर्तन जगत के, चाहे हमारे सुदेव सराजी जी हों और चाहे नीलम विश्वकर्मा जी हों। हम चाहते हैं कि दोनों के बीच एक ऐसा सामंजस्यपूर्ण आज का कार्यक्रम प्रस्तुत हो जिसमें कहीं से कोई हमारे बुंदेलखंड में असभ्यता का कोई लवलेश मात्र भी नहीं आता है मंच में। हम दोनों कलाकारों से निवेदन, नीरज जी की, गोपाल दास नीरज की चार पंक्तियां पढ़ता हूं, याद आई कि अब कोई ऐसा अभियान चलाया जाए जिसमें आदमी को केवल आदमी बनाया जाए। अब कोई ऐसा अभियान चलाया जाए जिसमें आदमी को आदमी बनाया जाए, एक दूसरे की चाहत का असर हो इतना, एक दूसरे की चाहत का असर हो इतना कि एक रहे भूखा तो ना दूसरे से खाया जाए। अगर ऐसी भावना लेकर के आज का कार्यक्रम होगा तो मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम को सफल नहीं, सफलतम कहा जाएगा। आइएगा, आवाज देता हूं कीर्तन जगत के होनहार नौनिहाल, बड़े सुरीले अंदाज में गाने वाले फंकार भैया श्री सचदेव सरादी जी आए और कार्यक्रम को आगे गति दें। आज के कार्यक्रम में केवल दो कलाकार ही नहीं, हमारे बुंदेलखंड की समूची हस्तियां जो उपस्थित हैं, हमारे बड़े भाई दादा श्री रामश्री द्विवेदी जी, बड़े भाई दादा श्री मातादेवी विश्वकर्मा जी, छोटे भाई श्री बाबूलाल जी एवं श्री जेपी मंचला जी सहित हमारे द्वारका मिश्रा जी, लगभग बुंदेलखंड की समूची बड़ी हस्तियां आज इस मंच में उपस्थित हैं। ये नवागढ़ का एक सौभाग्य है और ये मेरा सौभाग्य है कि इनकी उपस्थिति में संचालन मुझे मिल रहा है। मैं सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आवाज देता हूँ श्री सचदेव सरादी जी को, आए साधुवाद धन्यवाद। सुना भी आप लोगों ने? हाँ सुना भाई सुना। जहाँ इसको नहीं सुना था, जिस मंच पे सादा मत करो उसको। हेलो हेलो हेलो, जिस मंच पे इतनी महान विभूतियां बैठी हो, इतनी महान हस्तियां बैठी हो, हम बच्चों का बोलना कोई जायज नहीं है। बिल्कुल, मारे कितन कलाकार दादा सब लोग बैठे हैं, आशीर्वाद की कामना करता हूं। चूंकि आदेश हुआ था नरेंद्र भैया का कि सर्वप्रथम आप श्रद्धांजलि गीत से ही अपना कार्यक्रम शुरुआत करें, वो जब याद आए बहुत याद आए, बढ़िया
बढ़िया जवाब आया है। हालांकि श्रद्धांजलि गीत में क्या टोकना क्या कहना, कलाकार जो भी अपने भाव से लिख देता है वही मान होता है। लेकिन शायद मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कट भैया, शायद आपको पता नहीं होगा इसलिए आपने लिख दिया होगा। जैसे आपकी एक लाइन कह रही थी, गौरबाई के माँ थे का श्रृंगार थे, थे का मतलब ये हो जाता है कि भूतकाल में थे, अब नहीं है। पर जानकारी मुताबिक ये बता दूं बड़े भैया, हमारे जो दादाजी थे, समझते रहो भैया, उनसे पहले हमारी दादी माँ का स्वर्गवास हो गया था, तो वो थे नहीं। जब तक दादी माँ थी तब तक वो श्रृंगार रहे हैं। बिल्कुल, ये शायद आपको पता नहीं होगा पर जवाब ठीक, क्योंकि वो सदा सुहागन होके गई हैं तो श्रृंगार रहे हैं। बिल्कुल, अगर पहले दादाजी का स्वर्गवास होता तो थे, लेकिन हैं और सदा सुहागन गई। बाकी मैं आपसे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, आप अपना जवाब सुनिए। अब जहाँ दादा लोग बैठे वहाँ क्या बोले, बिल्कुल आज तो बिल्कुल नहीं बोलना है, केवल काम बोलेगा। बढ़िया गाना आया है, बढ़िया। ये तो हमारी नीलम बहन की निशानी है, पहचान है। पहला गीत ऐसा दो कि सामने वाला कहे बस हम अब गा नहीं सकते। सही है, बढ़िया। कहना क्या ढूंढ रही हूं मैं ऐसा दीवाना कि थोड़ा सा पगला थोड़ा सयाना, हमसे तो अच्छी उन परिंदों की जात है जो कभी मंदिर में जा बैठे कभी मस्जिद में जा बैठे। गीत आया है, समझते रहिए हिसाबी भैया। तीन आधा जनाना और आधा मर्दाना, बढ़िया। कुछ दिन जनाना और कुछ दिन मर्दाना, तन से मर्दाना लेकिन मन से जनाना। वाह, कलयुग में एक एसपी साहब आ गए, आईजी साहब, तो वो तन से जनाना है लेकिन मन से मर्दाना है। बढ़िया गीत आया है, बढ़िया। जब आप सुनो बड़ी बहन अगर बन जाए, क्यों नहीं, नहीं वो ठीक है, आपकी बात सही, वो सही है, कोरस तीनों आदमी की है। बड़ी बहन
अब दादाओं के गीतों का जवाब हम क्या दे सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग तो सिर्फ खाना पूर्ति कर सकते हैं। बिल्कुल, बाकी बाकी जवाब में दादा काफी मेहनत कर रहे हैं। ये बात सही है, आज तो वो करेंगे। ये अब गात हमारे साथ होता है दादा, कहना क्या? अरे एक दिन श्रीहर से जाकर, एक दिन श्रीहर ने जाकर के वृंदा से छल किया, तुम्हारी उंगलियां चूम ले बेटे। अगर नरेंद्र दादा जी जनाना मर्दाना आ जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा। अरे एक दिन श्री हरि ने जाकर वृंदा से छल है किया, अगर तर्ज में मिस्टेक हो जाए तो क्षमा चाहूंगा। तो वृंदा ने जाना भेद जब तत्काल श्राप है दिया, तो सुनो आगे की कहानी, यह ग्रंथ की वाणी, सत्य गाऊं ना छुपाऊं, विष्णु को दहला दिया, दस बहा का देखा मैंने सुहाना, कहां का कहां का बने? अरे विष्णु जी ने वृंदा से छल तो किया और जब श्राप मिला, अरे दस बहा का देखा अरे मैंने सुहाना, क्योंकि क्योंकि ऊपर अरे नीचे, अरे ऊपर जनाना लेकिन नीचे मर्दाना, बेटे वाह। नीचे भगवान विष्णु है यानी शालिग्राम, और ऊपर लक्ष्मी, ऊपर वृंदा है यानी तुलसी, तो बहा का देखा अरे मैंने सुहाना, ऊपर जाना ना और नीचे कहना। एक प्रसंग और दे रहा हूं, शिव जी ने हनुमत का रूप है धारा, तो आए धरा पर देखा कौतुक ये सारा, तो कपिवर जब आए अरे लीला दिखलाए, अरे दो अंशों का है देखा नजारा, कैसा कैसा बोले कपिवर, कपिवर अरे कपि ब्रह्मचारी संग उनके नारी, कैसे कैसे नर और नारी का संग में ठिकाना, हनुमान जी आए तो गौरव जी ने कहा हम भी पूछ बन के चलेंगे। आज सबसे ज्यादा तो संजय भैया खुश होंगे, और क्या नई शर्ट पहन के आए ये हमारे बड़े भैया काशी राम लोधी जी अजनौर जिला टीकमगढ़, इस जवाब पे 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इसका बेस काट दो, हेलो 30 तारीख से बेस ही पड़ रहा है गले में, आओ क्या हम लोग ज्यादा बेसीले हो गए। अरे नर और नारी का संग में ठिकाना, तो देखा हनुमान जी को, अरे अरे आगे आगे मर्दाना और पीछे जनाना, नारी बनी पूछ, क्या बात है सबरिया, आगे मर्दाना और पीछे जनाना। आपने कहा कि कुछ दिन जनाना, अब का मर्दाना तब का जनाना, लेकिन सुनना द्वापर में, अर्जुन अर्जुन का सुनिए कथानक ये प्यारा,
उसने जो ही किया था इशारा, सरोवर पे आए हैं और जल में नहाए हैं, मिला रूप नारी का बिल्कुल था न्यारा। कृष्ण मुस्काए हैं, रूप मान भाए हैं। राधा जी के दर्शन तभी होंगे जब इस सरोवर में आप स्नान करेंगे। सरोवर में स्नान किया अर्जुन जी, नर से नारी बन गए, और जब नारी बन गए तो कहना है क्या, देख करके दस ऐसे मैंने बखाना। कब का, पहले थे मर्दाना लेकिन अब है जनाना। पहले मर्दाना दे लेकिन अब जनाना है। अब कलयुग का सुन लीजिए जल्दी, कलयुग का ऐसी चीज दे रहा हूं बड़ी बहन, शायद आप उस चीज में सोचो। कहना क्या, बहुत गर्म बजा रहे हो। सदियों से नारी को गया है सताया, तो देश के नेताजी ने ये पीड़ा उठाया। सदियों से नारी सताई चली आ रही थी, बिल्कुल, तो एक नेताजी ने पीड़ा उठाया। वो नारी बेचारी मरे सासू कुमारी, तो नर से पहले इस स्थान है पाया। जब नर से पहले स्थान पाया तो कहना प्रथम कहलाई है, अरे प्रथम ही आई है। शरारती चाहता है आपको बताना, नारी फर्स्ट। जब कहा नारी फर्स्ट तो कहना क्या, कभी साहब अगर बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा। शरारती चाहता है आपको बताना, अरे आगे जनाना लेकिन पीछे मर्दाना। अब नारी आगे चल रही है, ये बात सही, हम लोग पीछे चल रहे हैं सर। अब नारी का स्थान पहले होता था, देखो वहाँ कहते हैं भाई साहब नारी फर्स्ट, पहले नारी को आगे आने दो, राशन कार्ड भी नारी के नाम से। तो आगे जनाना लेकिन पीछे मर्दाना, आगे जनाना मर्दाना, लेकिन नीचे मर्दाना। यथाशक्ति प्रयास आपके भारी भरकम गीत का।